नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो आईपीएल 2023 का मैच नंबर 16 खेला गया था आज दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच में, और इस मैच में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर पॉइंट्स टेबल में काफ़ी बड़ा उलटफेर कर दिया है। जहां पर इस जीत से मुंबई इंडियंस की टीम को पॉइंट्स टेबल में काफ़ी फायदा हुआ है, तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम को इस हार से पॉइंट्स टेबल में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो ऐसे में आईपीएल 2023 का नया पॉइंट्स टेबल ऐसा नजर आ रहा है, कौन सी टीम किस पोजीशन पर मौजूद है कितने पॉइंट्स के साथ, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए ओवरऑल ये वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले, ताकि आपको क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप आईपीएल 2023 से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज़ एंड अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके अलावा कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिंड मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, पॉइंट्स टेबल पे आखिरी स्थान यानी कि नंबर 10 पर मौजूद है आज के मुकाबले में हारने वाली टीम यानी कि डेविड वार्नर की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स। डीसी की टीम ने आईपीएल 2023 में अभी तक 4 मैचेस खेले हैं और चारों मैचेस में हार का सामना करना पड़ा है। टोटल इनके पास 0 पॉइंट्स हैं और जो इनका नेट रन रेट है वो काफी ज्यादा खराब चल रहा है, माइनस में। इसके अलावा पॉइंट्स टेबल पे नंबर 9 पर खिसक चुकी है एडन माकरम की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। एसआरएच की टीम ने आईपीएल 2023 में अभी तक 3 मैचेस खेले जिसमें से 1 मैच जीता है और 2 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा है। टोटल इनके पास 2 पॉइंट्स हैं और जो इनका नेट रन रेट है वो काफी ज्यादा खराब है, माइनस में 1.502। इसके अलावा आज के मुकाबले में जीत दर्ज करने के बाद पॉइंट्स टेबल पे नंबर 8 पर पहुंच चुकी है रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम। एमआई की टीम ने आईपीएल 2023 में अभी तक 3 मैचेस खेले जिसमें से 1 मैच जीता है और 2 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा है। टोटल इनके पास 2 पॉइंट्स हैं और जो इनका नेट रन रेट है वो अभी भी माइनस में चल रहा है। इसके अलावा पॉइंट्स टेबल पे नंबर 7 पर मौजूद है फैफ डू प्लेसी की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम। आरसीबी की टीम ने आईपीएल 2023 में अभी तक 3 मैचेस खेले जिसमें से 1 मैच जीता है और 2 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा है। टोटल इनके पास भी 2 पॉइंट्स हैं और जो इनका नेट रन रेट है वो काफी ज्यादा खराब चल रहा है, माइनस में 0.800। इसके अलावा पॉइंट्स टेबल पे नंबर 6 पर मौजूद है शिखर धवन की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स की टीम। पीबीकेएस की टीम ने आईपीएल 2023 में अभी तक 3 मैचेस खेले जिसमें से 2 मैचेस जीते हैं और 1 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। टोटल इनके पास 4 पॉइंट्स हैं और जो इनका नेट रन रेट है वो है माइनस में 0.235। इसके अलावा पॉइंट्स टेबल पे नंबर 5 पर मौजूद है महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। सीएसके की टीम ने आईपीएल 2023 में अभी तक 3 मैचेस खेले जिसमें से 2 मैचेस जीते हैं और 1 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। टोटल इनके पास 4 पॉइंट्स हैं और जो इनका नेट रन रेट है वो है प्लस में 0.356। इसके अलावा पॉइंट्स टेबल पे नंबर 4 पर मौजूद है हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस की टीम। गुजरात टाइटंस की टीम ने आईपीएल 2023 में अभी तक 3 मैचेस खेले हैं जिसमें से 2 मैचेस जीते हैं और 1 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। टोटल इनके पास भी 4 पॉइंट्स हैं और जो इनका नेट रन रेट है वो है प्लस में 0.431। इसके अलावा पॉइंट्स टेबल पे नंबर 3 पर मौजूद है नीतीश राणा की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। केकेआर की टीम ने आईपीएल 2023 में अभी तक 3 मैचेस खेले जिसमें से 2 मैचेस जीते हैं और 1 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। टोटल इनके पास 4 पॉइंट्स हैं और जो इनका नेट रन रेट है वो है प्लस में 1.375। जबकि पॉइंट्स टेबल पे नंबर 2 पर मौजूद है संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम। आरआर की टीम ने आईपीएल 2023 में अभी तक 3 मैचेस खेले जिसमें से 2 मैचेस जीते हैं और 1 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। टोटल इनके पास भी 4 पॉइंट्स हैं और जो इनका नेट रन रेट है वो है प्लस में 2.067, जो कि बाकी सभी टीमों से काफी बेहतर है। इसके अलावा पॉइंट्स टेबल पे नंबर 1 पर मौजूद है केएल राहुल की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। एलएसजी की टीम ने आईपीएल 2023 में अभी तक 4 मैचेस खेले हैं जिसमें से 3 मैचेस जीते हैं और 1 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। टोटल इनके पास सबसे ज्यादा 6 पॉइंट्स हैं और जो इनका नेट रन रेट है वो है प्लस में 1.048।
दोस्तों ये रहा आईपीएल 2023 का नया पॉइंट्स टेबल जो कि दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए मैच नंबर 16 के बाद का है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपके हिसाब से कौन सी वो चार टीमें होंगी जो कि आईपीएल 2023 के प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करेंगी। इसके अलावा क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11 और क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।